आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। ताहिर हुसैन की अर्जी को खारिज कर दिया है कोर्ट ने। दिल्ली दंगों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी इस अर्जी को खारिज किया गया है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। निचली कोर्ट में जो फैसला आया, इस फैसले को ताहिर हुसैन ने चुनौती दी थी हाईकोर्ट जाकर, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर से एक झटका दिया है, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। ताहिर हुसैन को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। दिल्ली से मेरे सहयोगी अरविंद सिंह जुड़ चुके हैं मेरे साथ। अरविंद, ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट से यह झटका लगा है कि उन्होंने जो अर्जी दाखिल की थी निचली अदालत के फैसले के खिलाफ, उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है, तो अब इसका असर क्या देखने को मिलेगा? देखिए, इसका मतलब ये साफ है कि अगर ताहिर हुसैन को इससे ऊपर यानी सुप्रीम कोर्ट में उनके पास अर्जी दाखिल करने का अधिकार बनता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिलती या वो उच्च अदालत का रुख नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में निचली अदालत की तरफ से जो आरोप तय करने का आदेश था वो बहाल हो रहेगा, और इसका मतलब ये होगा कि उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी। दरअसल आरोप तय होने के बाद ही ये तय होता है कि मुकदमे का सामना करना पड़ता है किसी भी आरोपी को, और ताहिर हुसैन ने निचली अदालत का जो आदेश था उसको हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनके वकील का ये कहना था कि उनके खिलाफ कोई ऐसे सबूत नहीं है जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बने, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स चोरी का मामला उनके खिलाफ बनता है, लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया था कि ऐसे ठोस सबूत हैं उनके खिलाफ कि किस तरीके से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की और इस मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के दंगों को भड़काने में किया गया। तो बहरहाल कोर्ट ने चूंकि निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है, तो इसका एक मायना ये हुआ कि ताहिर हुसैन को फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा निचली अदालत। तो अरविंद, ये मुकदमा कहाँ होगा, कहाँ पर सुनवाई होगी? क्योंकि निचली कोर्ट ने तो ये फैसला दिया था कि सुनवाई होती रहेगी, अब हाई कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है उनकी अर्जी को खारिज करते हुए कि मुकदमा तो चलेगा और मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। कहाँ चलेगा, किस तरह से आने वाला समय रहने वाला है ताहिर हुसैन के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जो अदालत आरोप तय करती है ट्रायल कोर्ट, वहां पर मुकदमे का सामना करना होता है आरोपी को। इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए थे, और कड़कड़डूमा कोर्ट का ये कहना था कि प्राइमा फेसी ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, जो कुछ सबूत रखे गए हैं उनके खिलाफ, और ईडी का पूरा केस ये था कि अलग अलग बोगस कंपनियों के जरिए ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ से ज्यादा के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है, और वो पैसा अलग अलग बोगस कंपनियों के जरिए उन तक पहुंचा है, और इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दंगों को भड़काने में किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। आगे और अपडेट लेनी होगी तो आपसे फिर जुड़ेंगे।